हाँ जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सर, मुझे ज़रूर बताइएगा। और बारिश कैसी हो रही है आपकी वहाँ पे? यहाँ पे तो बहुत बारिश हुई रात को, पिछली रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है। और यही तो हमारे दुख होता है कि बारिश चाहे जून में हो तब भी यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे ये बच्चे कंचे खेल रहे हैं स्कूल से आके थोड़ी देर में, कि चलो इनका भी हो जाता है माइंड फ्रेश, और पढ़ाई भी इनको बोझ लगती है। क्या करें, हमको भी ऐसी लगती थी। हम तो बच्चों को बोलते हैं, हम खुद भी ऐसे होते थे। नहीं, और लाइक करना भूल जाते हो आप, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और मौसम का तो ज़रूर बताइएगा मुझे। और आज बारिश है तो मैं बनाने जा रही हूँ पकोड़े। वही सिंपल सा तरीका, कोई विशेष वो नहीं है कि हम कोई ज़्यादा आता है बनाना या आपको सिखा रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। आप लोगों के साथ शेयर किया है, पूरा देखिएगा कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। और बहुत सी कमियां रह जाती हैं, तो चलिए देखते हैं रेंड स्पेशल पकौड़ा। तो चलिए करते हैं पकौड़ों की तैयारी। मैं यहाँ पे ना कैमरा सेट कर रही थी, तो ये मैं थोड़ा सा पालक, धनिया और लहसुन की वही जो पत्ते होते हैं ऊपर के, और तेल मैंने रख दिया गर्म होने को, आग मैंने जला दी है। आज है वीरवार तो आज हम चूल्हे की लिपाई नहीं करते। मैंने सुबह सुबह ही बना दिए थे पकौड़े और सुबह सुबह ही एडिट करने लगी हूँ, क्योंकि बारिश है ना, घास को नहीं जाया जाएगा। तो मैं यहाँ पे प्याज कट कर रही हूँ। सबसे पहले प्याज को जो है, प्याज के छिलके ना हमारे वहाँ नहीं फेंकते, चूल्हे में नहीं फेंकते, आपके भी नहीं फेंकते, मुझे बताना। पुरानी प्रथा है, कहते हैं लोग कि प्याज के छिलके चूल्हे में फेंकने से ना कर्जा चढ़ता है, ऐसा बोलते हैं। मुझे नहीं पता कि चढ़ता है, पर हम भी नहीं फेंकते, फिर गलती से कभी फेंक भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो दो प्याज लिए थे मैंने यहाँ पे, और बेसन लिया था थोड़ा सा, और इनको मैं लंबे लंबे टुकड़ों में ना कट करूँगी, इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में। और इस तरह से, और भी उसमें थोड़ा सा मैं वो डालूँगी सोडा ना, उससे फूलते हैं, फिर वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो दो प्याज लिए थे मैंने यहाँ पे, प्याज का लाज उतर गया रेट तो दो ले लेते हैं, नहीं तो कई बार तड़के में डालने के लिए भी नहीं होता, ऐसा भी होता है। तो आज होता ही है ना, मन करता है ना बारिश का कि कुछ ऐसा खाएं। और उतने को तेल ना काफ़ी अच्छा गर्म हो जाएगा। और फिर मैंने काटे यहाँ पे वही अपने लहसुन की जो पत्ते होते हैं ना, कलियाँ तो बोलते हैं ना उनको, जो लहसुन होते हैं अंदर, गुंदियाँ बोलते हैं हमारे उनको, लहसुन की गुंदियाँ। और ये पालक लाई थी मैं थोड़ा सा पार से तोड़ के क्यारी से, तो इसको भी मैंने इसमें डाल दिया। और मतलब इसमें ही मैं इकट्ठा कर दूंगी सारा सब कुछ। और ये भी पालक ही है, पालक पकौड़ा बनेगा है, पालक पकौड़ा धनिया, पालक क्या बनेगा, सारा मिक्स हो गया इसमें सब कुछ, पकौड़ा बनेगा। और थोड़ी सी मैंने मिर्च ऐड की इसमें, मुझे कई बोलते थे ना कि आप वो नहीं डालते रेड चिल्ली पाउडर, मैं हम ना कम खाते हैं उसको, हम नहीं खाते। और मैंने इसमें हल्दी डाल दी थोड़ी सी, और थोड़ा सा जीरा, और थोड़े से गरम मसाले थोड़े से डाले, मैंने ज़्यादा नहीं डाले। और इस तरह से फिर नमक भी स्वादानुसार, स्वाद अनुसार नमक। अब डालेंगे इसमें पानी। और पकौड़ों के लिए मैं ना, वैसे पता नहीं मुझे, पर मैं थोड़ा सा ना पतला रखती हूँ इसको ना, तो बड़े अच्छे मतलब नरम नरम जैसे पकोड़े बनते हैं अगर इसको नरम रखें। पर इसको अच्छी तरह से मैश करना पड़ता है ना, कोई भी चीज़ है चाहे उसको अच्छी तरह से जब मैश करते हैं तो मतलब फूलती भी है और सॉफ्ट भी बनती है, खाने में भी टेस्टी लगती है। तो इस तरह से ये करके,
इसमें पानी में थोड़ा सा और डालूंगी। लगियां जे बरखां पौने फुहारां। कई दिन हो गए मैंने गाना नहीं सुनाया, चलो मैं आगे सुनाती हूँ थोड़ा सा गाना आपको ना। बहुत दिन हो गए, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आप गाना नहीं सुनाते। तो ये देखिए यहाँ पे हनी उठ चुका है और तेल गर्म हो गया है। चूल्हे पे ना एक दिक्कत होती है कि अगर थोड़ी सी भी आँच कम हो जाए ना तो फिर ठंडा हो जाता है तेल, कुछ भी चीज़ ना। और पीछे मैंने रखे हैं, एक में सब्जी है एक बर्तन में, और दूसरे में जो है, दूध काढ़ने को रखा है। और उसका जो है आज मतलब जैसे मक्खन निकालना और भी, वो मैं दूसरे चैनल पे अपलोड करूँगी, प्लीज़ ज़रूर वॉच कीजिएगा। और जो चावल की सब्जी होती है ना, चावल के आटे की, नहीं आटे की नहीं, चावल के पानी की पीच बोलते हैं उसको, उसकी सब्जी बनाई है मैंने दूसरे चैनल पे, तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और इस तरह से ये पकड़ा रहे हैं मेरे पास लकड़ियाँ। और फिर हनी का पेपर है 9 बजे, हनी 9 बजे चला जाएगा स्कूल को। बस थोड़ी सी आंच कम हुई कि ऊपर मतलब चूल्हे के ऊपर रखी चीज़ ना कच्ची रह जाती है फिर। और मैंने एक दिन वो भी किया था इस पे, क्या कहते हैं उसको, फेस पैक भी डाला था मैंने। किस किस ने नहीं देखा, देख लीजिएगा ज़रूर। और बस अब ये हो चुके हैं तो मैं इनको निकाल लूँगी थोड़े थोड़े करके। कभी कभी बनाए ना अगर घर में ऐसी चीज़ें तो अच्छा लगता है, टेस्टी भी लगता है। नहीं ये देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा। अब हनी चला गया हाथ मुंह धोने, चलो मैं नज़दीक से बताती हूँ आपको। ये देखिए ये बन गए हमारे पकोड़े और चाय भी तैयार है, बस सब खाएंगे इनको हम चाय के साथ। वो हरा हरा डाला था मैंने, वो पता नहीं कहाँ गया, दिख नहीं रहा, मतलब कम था, वो था तो था ना पर वो दिख नहीं रहा। क्रंची क्रंची जैसे बने, बढ़िया कुरकुरे। आप क्या क्या डालते हैं पकोड़े बनाते समय मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छे लग रहे हैं ना। तो ये देखिए चाय भी रेडी है, तो चलिए खा लेते हैं अब। और कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय माता दी, हैव ए नाइस डे।